नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 17, जो कि है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, और साथ में बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसको मैनेज किस तरीके से करना है। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या होता है, जो भी वेस्ट जैसे हॉस्पिटल से निकलता है, क्लिनिक से निकलता है, फार्मेसीज से जो मेडिसिंस का वेस्ट होता है, तो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है, या फिर सर्जरीज करते हैं तो उस टाइम पे जो कॉटन होता है या फिर जो भी बैंडेजेस होते हैं तो उनका जो वेस्ट निकलता है, तो वो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो मैनेज किस तरीके से करना है, उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 17 है, जो कि है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेसिक एस्पेक्ट्स। तो कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे, एंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मा मैन्युफैक्चर, टू डिस्पोजल ऑफ फार्मा और मेडिकल वेस्ट एट होम, फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल्स। तो कुछ एस्पेक्ट जो कि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट होम में किस तरीके से करना है, मतलब घर में किस तरीके से करना है, कोई बायोमेडिकल वेस्ट है तो फार्मेसीज में वेस्ट किस तरीके से मैनेज करना है, हॉस्पिटल में वेस्ट जो है वो किस तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इस सब्जेक्ट के 16 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उनके लेक्चर्स हमने देख लिए हैं। अगर आपने उनके लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट रिफर्स टू एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स। तो बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या होता है, ये ऐसा वेस्ट होता है, कोई भी वेस्ट होता है जो कि जनरेट होता है ड्यूरिंग, किस टाइम पे जनरेट होता है, द डायग्नोसिस, ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स। तो ह्यूमन या फिर एनिमल्स में डायग्नोसिस, ह्यूमंस और एनिमल्स का डायग्नोसिस करते समय जो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट जनरेट होता है, ट्रीटमेंट के समय पे जो वेस्ट जनरेट होता है, या फिर इम्यूनाइजेशन के टाइम पे जो भी वेस्ट जनरेट होता है, उस वेस्ट को हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। देन नेक्स्ट है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है, एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। उस वेस्ट से, जो बायोमेडिकल वेस्ट है, उससे इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकता है, इसीलिए उससे इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, ये चीज़ प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट जो है बायोमेडिकल वेस्ट का, वो क्रूशियल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट है, द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आर अ सेट ऑफ रेगुलेशन दैट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ये क्या है, ये सेट ऑफ रेगुलेशंस, मतलब यहाँ पर रूल्स बताया गया है, रेगुलेशंस का ये पूरा सेट है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, गाइडेंस ऑन द सेफ हैंडलिंग, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको किस तरीके से सेफ तरीके से हैंडल करना है, इसके रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करना है, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करना है, और साथ में जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसका डिस्पोजल किस तरीके से करना है, इसके रिगार्डिंग ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये रूल्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक एस्पेक्ट्स। तो कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं, उनके रिगार्डिंग देखेंगे। सबसे पहला है सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन इनटू डिफरेंट कलर कोडेड कंटेनर एज पर द टाइप ऑफ वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो सेग्रीगेट करना चाहिए। सेग्रीगेट मतलब क्या होता है, एक जगह पर जमा करना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहाँ पर वो जनरेट हो रहा है उसी जगह पर वो एक जगह पर सेग्रीगेट जमा करना चाहिए इनटू डिफरेंट कलर कोडेड कंटेनर। तो अलग अलग कलर कोडेड कंटेनर,
कंटेनर लेने हैं अलग अलग, और जिस टाइप का वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उस टाइप के वेस्ट में, उस टाइप के कंटेनर में उसको डालना है एज़ पर द टाइप ऑफ वेस्ट। मतलब जिस टाइप का वो वेस्ट है उस टाइप से उसको कलर करना है और उसी तरीके से फिर उन कंटेनर्स में वेस्ट वो डालना है, सेग्रीगेट करना है। तो इस तरीके से सेग्रीगेशन ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। देन नेक्स्ट है स्टोरेज, सेकंड है स्टोरेज। तो स्टोरेज किस तरीके से करना है, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको स्टोर किस तरीके से करना है। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी स्टोर्ड इन अ लीक प्रूफ कंटेनर दैट आर प्रॉपरली लेबल्ड। तो जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको लीक प्रूफ कंटेनर में, मतलब कहीं से भी वो कंटेनर लीक नहीं होना चाहिए, ऐसे कंटेनर में वो जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो स्टोर करके रखा हुआ होना चाहिए और उसको प्रॉपरली लेबल किया रहना चाहिए ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर कौन सा वेस्ट है। द कंटेनर शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट एरिया डिजाइनेटेड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज। और जो भी कंटेनर है जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट स्टोर करके रखा हुआ है वो एक सेपरेट एरिया में रखा हुआ होना चाहिए, ऐसा एरिया जो कि डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज के लिए। बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज के लिए जो भी एरिया वहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट को रखने के लिए, तो उसी एरिया में ये जो कंटेनर्स होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के वो रखने चाहिए। देन नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन अ क्लोज व्हीकल्स विद एप्रोप्रिएट मार्किंग इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ द वेस्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड। तो जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है वो क्लोज व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, जो भी व्हीकल्स होते हैं वो प्रॉपरली क्लोज होने चाहिए, पैक होने चाहिए, उसी में जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो ट्रांसपोर्ट करना चाहिए विथ एप्रोप्रिएट मार्किंग, और वहाँ पर एप्रोप्रिएट सही तरीके से मार्किंग रहनी चाहिए जो कि क्या इंडिकेट करती है, द टाइप ऑफ वेस्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड। तो जो भी वेस्ट ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसका टाइप क्या है, वो कौन सा वेस्ट है, तो उसका टाइप जो है वो हमें पता चले, ऐसी एप्रोप्रिएट मार्किंग वहाँ पर करनी है और एक क्लोज व्हीकल में जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट होता है। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल मतलब जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है और डिस्पोजल किस तरीके से करना है उसके बारे में देखेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज एज पर गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन रूल्स। तो जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है वो रूल्स में जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट और डिस्पोज करना चाहिए। तो इस तरीके से ये डिस्पोजल और ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मा मैन्युफैक्चर टू डिस्पोज ऑफ फार्मा और मेडिकल वेस्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ एस्पेक्ट्स देखने हैं, जो भी मेडिकल वेस्ट है वो किस तरीके से डिस्पोज करना है। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है एट होम्स, मतलब घर में किस तरीके से जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है वो किस तरीके से डिस्पोज करना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के बारे में हमने अभी देखा बेसिक एस्पेक्ट्स में, उसी तरीके से घर में भी सेग्रीगेशन करना है, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको एक जगह पर जमा करना है। तो सेग्रीगेशन, फार्मास्यूटिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड स्टोर्ड सेपरेटली इन अ डेडिकेटेड कंटेनर। तो जो भी फार्मास्यूटिकल वेस्ट निकल रहा है घर से तो वो एक जगह पर सेग्रीगेट करके रखना चाहिए, जमा करके रखना चाहिए एंड स्टोर सेपरेटली इन डेडिकेटेड कंटेनर, और एक कंटेनर में सेपरेटली उसको स्टोर करके रखना चाहिए। देन नेक्स्ट है डिस्पोजल। उसका डिस्पोजल किस तरीके से करना है, अब बायोमेडिकल वेस्ट निकला उसको हमने सेग्रीगेट करके एक जगह पर एक अलग से कंटेनर में स्टोर करके रखा, अब उसको डिस्पोज किस तरीके से करना है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज बाय इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू बायोमेडिकल वेस्ट को, जो भी फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। द वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज ऑफ इन ओपन लैंडफिल्स और डम इन वाटर बॉडीज। तो जो भी वेस्ट है वो ओपन लैंडफिल्स, मतलब कोई खाली जगह है उस पर हम डिस्पोज नहीं कर सकते, या फिर वाटर बॉडीज में हम उसको डाल नहीं सकते। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हम वाटर बॉडीज में, कोई नदी है घर के पास या फिर नाला है उसमें हम नहीं डाल सकते, या फिर कोई खुली जगह है वहाँ पर भी हम उसको नहीं डाल सकते, इससे इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए कोई भी ओपन लैंडफिल हो गए या फिर कोई भी वाटर बॉडीज हो गए उनमें ये बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज नहीं करना है। डिस्पोजल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसी तरीके से जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डिस्पोज करना चाहिए। तो नॉर्मली इंसिनरेशन ये एक प्रोसेस होती है, इसके थ्रू
जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डिस्पोज किया जाता है घरों में। देन नेक्स्ट है एट फार्मेसीज, तो फार्मेसी में किस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए, किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। फार्मेसी जनरेट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फार्मास्यूटिकल वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपायर्ड और अनयूज मेडिसिन पैकेजिंग मटेरियल एंड सीरेंज। जो फार्मेसीज होती है वहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में, जैसे कि एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गया और अनयूज्ड मेडिसिन, मतलब जो भी एक्सपायर्ड हुए हैं, जो यूज़ नहीं हुए हैं, ऐसे मेडिसिन जो कि हम पेशेंट को तो नहीं दे सकते, उनको डिस्पोज करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, तो ऐसे एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गए, उनका वेस्ट हो गया, या फिर पैकेजिंग मटेरियल हो गया, जो भी पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं मेडिसिन के वो हो गए, या फिर जो भी सीरिंज है वो हो गए। तो इस तरीके से ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है ये फार्मेसी में जनरेट होता है। देन नेक्स्ट है सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अगर फार्मेसी में जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है वो जनरेट हुआ है तो उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है, तो सबसे पहले हम सेग्रीगेशन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो भी वेस्ट है उसको हम एक जगह पर सबसे पहले जमा करेंगे, तो सेग्रीगेट करेंगे। तो सेग्रीगेशन, फार्मास्यूटिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ वेस्ट एंड स्टोर्ड सेपरेटली इन डिजाइनेटेड कंटेनर। तो जो भी फार्मास्यूटिकल वेस्ट है वो सेग्रीगेट करना चाहिए फ्रॉम अदर टाइप ऑफ वेस्ट, तो अलग अलग टाइप का वेस्ट है तो उसमें से जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है, जो भी फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, उसको एक जगह पर सेग्रीगेट करना है, जमा करना है और उसको स्टोर करके रखना है सेपरेटली इन डिजाइनेटेड कंटेनर। जो भी कंटेनर बायोमेडिकल वेस्ट के लिए डिजाइन किया गया है उसी कंटेनर में जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको स्टोर करके रखना है, तो इस तरीके से सेग्रीगेशन हो गया। Then next है disposal. Dispose किस तरीके से करना है? Pharmaceutical waste should be disposed by incineration. तो ये भी waste किस तरीके से dispose करना है? Incineration के through. तो इस तरीके से ये disposal की process होती है। Then next हम देखेंगे at hospitals. तो hospitals में किस तरीके से जो भी biomedical waste है उसको manage करना है उसके बारे में देखेंगे। हॉस्पिटल जनरेट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ शार्ट्स, इन्फेक्शन वेस्ट एंड एनाटॉमिकल वेस्ट। तो हॉस्पिटल में लार्ज वॉल्यूम ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, किन किन के फॉर्म में, शार्प्स के फॉर्म में हो गया, इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया या फिर एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, तो इस तरीके से लार्ज अमाउंट में बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो हॉस्पिटल में जनरेट होता है। तो ये किस तरीके से डिस्पोज करना है, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन करना है उसको एक जगह पर, जो भी वेस्ट है उसको एक जगह पर जमा करना है। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड एट अ पॉइंट ऑफ जनरेशन इनटू डिफरेंट कलर कोडेड कंटेनर एज पर द टाइप ऑफ वेस्ट। तो जिस टाइप का वो वेस्ट है उसी टाइप से जो कलर कोडेड कंटेनर्स होते हैं, मतलब हर एक कंटेनर अलग अलग कलर किया होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको लेबल किया हुआ रहना चाहिए कि यहाँ पर इस कंटेनर में कौन सा वेस्ट डालना है। तो उसी तरीके से जो भी जिस टाइप का वेस्ट जनरेट हुआ है उस टाइप के वेस्ट को उस कंटेनर में डालना है, सेग्रीगेट करना है, उसको जमा करना है। देन नेक्स्ट है स्टोरेज, अब उसको स्टोर कैसे करना है। जैसे हॉस्पिटल्स में लार्ज वॉल्यूम में जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है वो जनरेट होता है, तो थोड़ा सा वेस्ट जनरेट हुआ फिर उसके बाद हमने डिस्पोज कर दिया, फिर और थोड़ा सा वेस्ट, हॉस्पिटल में लार्ज वॉल्यूम में बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होने की वजह से उसको ज़्यादा अमाउंट में जमा होने के बाद डिस्पोज किया जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा डिस्पोज नहीं किया जाता, इसीलिए उसको स्टोर करके रखा जाता है एक जगह पर। तो स्टोरेज किस तरीके से करना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट को, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी स्टोर्ड इन डिजाइनेटेड एरिया दैट आर सिक्योर एंड इक्विपाइड विद एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स। तो जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसके लिए जो भी एरिया डिजाइन किया गया है उसी एरिया में वो बायोमेडिकल वेस्ट स्टोर करके रखना चाहिए, जो कि सिक्योर होना चाहिए और साथ में इक्विपाइड विद एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स, और वहाँ पर प्रॉपरली सेफ्टी मेजर्स जो है वो प्रेजेंट रहने चाहिए। तो इस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट स्टोर करके रखना चाहिए। देन नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, अब उसको डिस्पोज करने के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उस टाइम पे वो किस तरीके से करना है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस किस तरीके से करनी है उसके बारे में देखिए। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन क्लोज व्हीकल विद एप्रोप्रिएट मार्किंग इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ वेस्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड। तो जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है वो
क्लोज व्हीकल में ट्रांसपोर्ट करना चाहिए विद अप्रोप्रिएट मार्किंग, उसके ऊपर मार्किंग रहनी चाहिए जो कि क्या इंडिकेट करना चाहिए, द टाइप ऑफ वेस्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड, तो जो भी ट्रांसपोर्ट किए जाने वाला वेस्ट है वो किस टाइप का वेस्ट है, इसकी एक मार्किंग वहां पर रहनी चाहिए और उसको क्लोज व्हीकल में ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो गई। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, तो ट्रीटमेंट और डिस्पोजल किस तरीके से करना है उस बायोमेडिकल वेस्ट का, उसके बारे में देखेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज ऑफ इन एन एनवायरमेंटली साउंड मैनर एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन रूल्स। तो जो भी बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल से निकला हुआ है उसको ट्रीट और डिस्पोज किस तरीके से करना है, एक एनवायरमेंटली साउंड मैनर, मतलब सही मैनर से, हमारे एनवायरमेंट पे भी उसका कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से कोई भी एनवायरमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एनवायरमेंटली साउंड मैनर मतलब क्या होता है कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर, साउंड मतलब एक अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज करना चाहिए जिससे कि जो भी एनवायरमेंट है उसको भी हार्म ना हो। तो इस तरीके से एक एनवायरमेंटली साउंड मैनर से उसको डिस्पोज करना है, ट्रीट करना है, और जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं रूल्स में उसके अकॉर्डिंग है उसको डिस्पोज करना है, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डिस्पोज करना है। तो इस तरीके से ये कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, इस तरीके से ये डिस्पोजल की प्रोसेसेस होती है हॉस्पिटल में, फार्मेसीज में और होम्स में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में दिए गए थे वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।